धर्मपाल यादव ब्रह्मपुरी निवासी अपने मित्र प्रधान हरदयाल से साथ ये स्टेटमेंट देना चाहता हूं अपने जनता विशेष न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जिसके संचालन बहुत ही अच्छी तरह से हमारे भैया दीपक जी कर रहे हैं और उसके साथीगण हैं। जो ये जघन्य कांड हुआ है, ये इतना जघन्य कांड है कि बलात्कार के केस तो बहुत सुने थे, लेकिन बलात्कार के बाद जिंदा जला देना ये बहुत ही जघन्य कांड है। और इसकी धाराएं इतनी संगीन हैं कि वो आदमी को जिस तरह से एक पिशाच कहना चाहिए, उसके यहाँ पर किसी समाज के चौराहे पर उसको इतनी सज़ा देनी चाहिए ताकि कोई पूरा समाज ये सोचे कि ऐसा जघन्य कांड कभी ना करें। सर, एक और सवाल है कि प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं, सरकार पे सवाल उठ रहे हैं, धीरे धीरे जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मपुरी से भी काफ़ी संख्या में लोग आए और अभी जो देखा जा रहा है, शाम को भी ऐसी स्थिति होने वाली है कि यहाँ पर जन आक्रोश बढ़ सकता है, तो प्रशासन से लोग नाराज़ हैं, तो प्रशासन के विषय में आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात ये कि हर किसी केस के लिए एविडेंस ढूंढा जाता है। यहाँ तो प्रत्यक्ष में एविडेंस मिला हुआ है, उनको जलती हुई लाश मिली है, उनको उसके अवशेष उनको मिले हैं, तो प्रशासन को चाहिए कि उसका कोई ना कोई विशेष उसका फास्ट ट्रैक चलाए, जनता को संतुष्ट करें, तो जनता आएगी ही नहीं। अब उनको ये है कि उनके खुद के पिताजी को पिटाई किया है, उनको धमकाया गया है, और इस तरह के जो जघन्य कांड के अंदर भी उन्हीं को प्रताड़ना दे रहे हैं, तो लोग डरे हुए हैं कि आगे कोई हमारी सुनवाई होने वाली नहीं है, इसलिए जन सैलाब ये जुड़ता जा रहा है। धर्मपाल यादव, आज का दिन बड़ा दुखनीय है। आज हमारी बिटिया गुड्डी जो 9 वर्ष की थी, उसके साथ बलात्कार हुआ और उसको साथ साथ उसको जिंदा जला दिया गया। वो बड़े शर्म की बात है। हम मांग करते हैं जो अपराधी हैं उनको फांसी दी जाए और चौराहे पे दी जाए इसी के साथ, और हमारे समाज के अंदर हमारे लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में भाग लें और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएँ। जय हिंद, जय भारत।